विधायक जी जो है पहुंच चुके हैं और हम लोग स्वागत के लिए रोड में ही आए थे तो पीछे से अभी आ ही रहे हैं। श्रीमान सुरेश गड़िया जी पूरी की है भूमि पूजन होना है, इसके तत्पश्चात उनका संबोधन भी होगा। तो हमारे बीच में अग्निवीर आ रहा है, माननीय विधायक जी हमारा गांव का काफी धनी कुशल और काफी कर्मठ व्यक्ति था जो आज अग्निवीर में भर्ती हो चुका है। प्रधान छे तो हमारे बीच में न रही पर लेकिन वाले बहुत कोशिश हमारा ग्राम पंचायत अनरसा ऊपर अध्यक्ष छन आशा खेतवाल जी, क्योंकि महिलान समूह बढ़ा गए महिलान का ले आज जमान में अमर मोदी जी को नहीं कि भाई महिला पुरुष एक समान। मैं जो पितरों बसाई हुई कुछ हो ये का कुलूना काम आज का सिंचित करना काम है। और हेमू है जो आप लोगों को मैंने सोशल मीडिया में मैंने डाला था हमारे गांव से अग्निवीर पहला जो है वो यही है हेमू। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मैं हूँ आशा खेतवाल, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आशा ब्लॉग में। और मैं आज ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ अपने सुंदर से गांव अनरसा से। वैसे तो मैंने कई बार आप लोगों को अपना गांव दिखाया है पर आज हमारे गांव में बड़ी खुशी की बात है कि हमारे गांव में आज एक जल पंप योजना का शुभारंभ होना है। क्योंकि जैसे कि आप लोगों को मैंने ब्लॉग में मैं दिखाते रहती हूँ, हमारे गाँव में जो है सब्जी का जो उत्पाद है काफ़ी अच्छा है, अनाज दालें वगैरह, तो उसी चीज़ के लिए हमारे गांव में पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। तो उसी को देखते हुए हमारे माननीय विधायक सुरेश गड़िया जी ने हमारे वहाँ पे एक जल पंप योजना स्वीकृत करके उसका आज शुभारंभ होने जा रहा है। तो आप मेरे हाथ में देख सकते हैं फूल वगैरह हम लोग ले जा रहे हैं। और मेरे ब्लॉग में आप लोग देखते रहते हैं कि हम लोग गुलदस्ते वगैरह भी हमारी समूह की महिलाएँ खुद ही बनाती हैं। तो हम लोग अभी थोड़ी देर में जो है वहाँ पर पहुँच के जहाँ पर प्रोग्राम होना है तो वहाँ पे पहुँचने के बाद इसको जो है गुलदस्ते इसके तैयार करेंगे। और आगे से जा रही हैं जान की और हम लोग अभी कुछ महिलाएं और आने वाली हैं तो काफ़ी तैयारी आज हमारे गांव में चल रही है। तो अभी फ़िलहाल पहुँचे हैं आधे रास्ते में और सुबह से जो है काफ़ी बच्चे भी लगे हुए हैं साफ़ सफाई और रास्ते में जैसे चूना वगैरह डालना और कुछ लड़के लोग लगे हुए हैं टेंट वगैरह लगाने में। तो प्रोग्राम अच्छा होने वाला है क्योंकि शुभ कार्य है तो आप लोगों को भी दिखाएंगे, आप लोग बने रहे ब्लॉग में। तो अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे प्रोग्राम है। ये है हमारे गांव के प्रधान जी, वहाँ हमारे चुनाव हुए थे और साथ पे महिलाएं बैठी हुई थी और इधर साइड से बैठे हैं बुबू जी लोग और कुछ लोग, क्योंकि काम धंधे का समय है आजकल तो लोग कम ही आए हैं। गाड़ी में मंगान जा रहा हूँ कौन लोगों ने तो हम लोग अभी ना जहाँ पे कार्यक्रम होना है वहाँ से जो है रोड पे हम लोग आ गए हैं और सभी लोग यहाँ पे हैं। ये चचा जी हैं, प्रधान जी हैं और हेमू है जो आप लोगों को मैंने सोशल मीडिया में मैंने डाला था हमारे गांव से अग्निवीर पहला जो है वो यही है हेमू। तो हम सभी लोग जो है विधायक जी के स्वागत के लिए यहाँ पर तैयार हैं और ये गुलदस्ता हम लोगों ने तैयार कर रखा है और ये गुलदस्ता ये भी लेके आए हैं। तो अभी थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं और फिर देखते हैं विधायक जी कब तक आते हैं।
अभी जैसे कि पीछे से आप लोग देख सकते हैं विधायक जी जो है पहुंच चुके हैं और हम लोग स्वागत के लिए रोड में ही आए थे, तो पीछे से अभी आ ही रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं। अभी बड़ा खुशी का दिन है, नारे भी लगने लग गए हैं अभी। स्वागत करेंगे और साथ में आए सभी हमारे समाज सेवी और अन्य जनप्रतिनिधि का भी यहाँ पर स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच में माननीय युवा विधायक श्रीमान सुरेश करिया जी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मेरा गांव के सम्रांत जनता से विशेष अनुरोध है कि हमने तत्काल पंडाल में पहुँचने का कष्ट करेंगे और माननीय विधायक जी का मान सम्मान करने के लिए यहाँ पर पहुँचने का कष्ट करेंगे। जैसा कि आपको कि आज सिंचाई व्यक्ति योजना पंपिंग रेगांव शेरा में युवा विधायक श्रीमान सुरेश गड़िया जी ने पूरी की है। क्षेत्र की जनता काफी हर्षित है। माननीय विधायक जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, उनका जोरदार स्वागत अनस्था के पात्र शक्ति द्वारा भी यहां पर जोरदार स्वागत किया जा रहा है और सभी जागरूक जनता यहां पर उपस्थित है। मेरा अनुरोध है कि माननीय विधायक जी मंच में अपना स्थान ग्रहण करेंगे और साथ में उनके साथ जो भी सम्मानित समाज सेवी लोग आए हुए हैं, मेरा उनसे भी अनुरोध है कि आप मंच पर अभी यहाँ पर भूमि पूजन होना है, इसके तत्पश्चात उनका संबोधन भी होगा। सभी लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें। यहाँ पर भूमि पूजन का जो कार्यक्रम है वो समापन की ओर है। इसके तुरंत बाद यहाँ पर माननीय विधायक जी को समय का अभाव है तो तत्काल यहाँ पूरी ग्राम पंचायत अनरसा की ओर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ कि आप हमारे गांव के और हमारे मातृशक्ति काफी खुश नजर आती है। सुबह से यहाँ पर काफी चर्चा हो रही है
कि जिस तरह से आज सोशल मीडिया के माध्यम से या पत्रकार या चैनलों के माध्यम से जिस हिसाब से आप भागा दौड़ी कर रहे हैं, मैं श्री दीवान सिंह मेहता जी जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच में कपकोटी जी हैं, उनका माल्यार्पण करने का कष्ट करेंगे। श्री दीवान सिंह मेहता जी हमारे बीच में कपकोटी जी हैं, उनका माल्यार्पण करने का कष्ट करेंगे। हमारे बीच में मातृशक्ति के रूप में जागरूक ग्राम प्रधान दीपा देवी है। मैं हमारे महिला समूह के फेडरेशन की जिला अध्यक्षा आशा खेतवाल से अनुरोध करूंगा कि आप हमारे बीच में अधिशासी अभियंता मैम भी उपस्थित है, आशा देवी से अनुरोध है सुना कि आप उनका भी माल्यार्पण करने का। हमारे बीच में श्री ख्याली सिंह सुबेदार साहब हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कपकोटी जी को शॉल उड़ाकर सम्मान करेंगे। श्री ख्याली सिंह मेहता जी, सुबेदार साहब, अनुरोध है कि आप कपकोटी जी को सम्मानित करने का कष्ट करें। हमारे बीच में इस गांव की सम्मानित ग्राम प्रधान दीपा देवी है, मेरा अनुरोध है विद्या देवी से कि आप उनका शॉल उड़ाकर मान सम्मान करेंगे। विद्या देवी, ग्राम प्रधान दीपा देवी। पुष्पगुच्छ भेंट देते हुए मैं संस्थान के प्रतिनिधि हैं, आप एक सरल व्यवहार के जन समाज सेवी रूप में आपने काफी अच्छे काम किए, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मंच के माध्यम से। सुंदरलाल जी से भी अनुरोध है आप लोग माल्यार्पण करें। समय का अभाव है, मैं पुनः माननीय विधायक जी का धन्यवाद करता हूं और मैं ग्राम पंचायत देवलचौरा की ओर से भी आपका विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं। और आपके द्वारा लगातार जब भी मैं आपसे दूरभाष पर कॉल करता हूं, आपके द्वारा लगातार देवलचौरा अनरसा ग्वार के बारे में लगातार मेरे से जानकारी ली जाती है कि कोई किसी को कोई समस्या है या कोई व्यवधान है तो आप तुरंत मुझे बताएं करके। बीच में हमारे बीच में कई दुखद घटना नरसा पे हुई, हमारे बीच का एक भाई दयाल मेहता जो अचानक एक ऐसे त्रासदी में वहाँ उसकी कैजुअलिटी हो गई थी। आओ रे और भी आओ। युवा जो टीम है अनरसा, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे बीच में अग्निवीर आ रहा है, माननीय विधायक जी हमारा गांव का काफी धनी कुशल और काफी कर्मठ व्यक्ति था जो आज अग्निवीर में भर्ती हो चुका है। मैं पूरी ग्राम पंचायत देवलचौरा के ओर से भी अग्निवीर बनने के लिए आपको बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। और माननीय विधायक जी बीच में भी पूछ रहे थे कि कितने लोग निकले करके, मैंने अवगत करा दिया था माननीय विधायक जी को। और माननीय विधायक जी आपसे अनुरोध है, मैं अपनी बात संक्षिप्त में रखकर माननीय विधायक सुरेश गढ़िया जी और हमारे बीच अधिशासी अभियंता महोदया और सहायक अभियंता महोदय, इस ग्राम के ग्राम प्रधान दीपा देवी, पूर्व ग्राम प्रधान व पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री दीवान सिंह खेतवाल जी, इस मंच में उपस्थित पूर्व सरपंच नरेंद्र सिंह मेहता जी, सुबेदार ख्याली सिंह जी, और ये हमारे तीन गांव को कवर कर रहे हैं, अनरसा, रेगांव और अनौरा, जो हमारी 350 लगभग जनसंख्या है इसको लाभान्वित करेगी। इसमें 180 मीटर का हेड है और इसका निकास है 935 LPM। इसमें हमारी जल पोषक प्रणाली है 630 मीटर की, जिसका 6 इंची डाया है, और इसी में जल वितरण प्रणाली है 3000 मीटर 3 किलोमीटर की, जिसका 3 इंची डाया होगा। इसमें हमारी 50 हेक्टेयर वार्षिक सिंचन क्षमता आएगी। और इसके लिए मैं आप सभी गांव वालों को धन्यवाद देती हूं कि हमारे विधायक महोदय की ताकि पंच नाम देवी देवताओं की अनरसा वालों की आज
ग्राम पंचायत अनर्स में हम सब लोग नक भल खेती कनों पर खेतन का उपजाऊ कनों पर और जो हमार पितरना बसाई हुई गुंसन और यह गुं का सब गार्डन में एक बार हरी भरी कनों पर हमें बहुत जब देखो कि हमार माँ बहनी बिल्कुल रात बिटी ब्याह तक गार्डन में लाग रही और गार्डन बेटी जो धान छन गेहूँ छन गडेर छु साग छु सब्जी छु सब हमार बागशर वालन बेटी लेबे और जा जाए रिश्तेदारी मित्र वर जा जा छन सब नमा के न के दीते रह तो मिल गया कम से कम सब न गार्डन में पान होना चाहिए होना चाहिए बताओ तो तमिल मेरा बिल कही है हमें तुरंत लिफ्ट पंपिंग योजना शुरू करे हमें और 1,35,00,000 रुपए सैंक्शन कर भे ठेकेदार ले ठेक ले आगे एक और जल्दी जो छू ये 15-16 तारे बेटी काम शुरू है जा और भल योजना बन जाए क्योंकि हमारे गोंग जलील सयान आया लोग यहाँ छन सब लोगों का मेरे यक निवेदन छो मेर मैं बहनी यहाँ बैठी और हमारे युवा भाई बंधु यहाँ छन तो भल योजना बन चन ये बन चन बताओ अब तुम सब लोग ने आशीर्वाद सब नल मेरा विधायक बढ़ा और तुम इनका बिना के कहिए जो छो तुम्हारा काम होना न उड़ाइए बताओ तो अब हमें कोशिश कर छू कि हमार गुमज कोई ले काम करना चाहो काम भल के होना और जो भी मजबूताई रूणक जो समय छो तब तक वो रूण था क्योंकि अगर हम अपन नंदिनन का जैसे पाऊन अपन न खा न लगा बेले अपन नंदिनन का पाए वे स्कूल लगन हम प्रधान छे तो हमार बीच में न रही पर लेकिन वेल ने बहुत कोशिश हमारा ग्राम पंचायत अनरसा ऊपर बहुत भल काम करी तो अगर स्वर्ग में जो है तो हम उन्हें का नमन करूँ और उन्हें का सच्ची श्रद्धांजलि दिलूँ कि उन्हर बाट लगाई हुई काम का हम आगे का बढ़ो नहीं तो हमार पूर्व में जो स्वर्गीय थी पुष्पा थी ना उनका नाम याद छो तो पुष्पा आर्या जी हमारे प्रधान थी बहुत भल सी विचार छिद्य साध्य थी पर लेकिन थोड़ा बीमारी कारण है और मैं सब लोगों का अपन माँ बहनी का कौन चाहूँ तो फिर दिया यार बाद में चाह मैं अपन माँ बहनी का कौन चाहूँ कि अगर ककड़ी मुनि ने तकलीफ सब तुरंत बतूर से और बताला ना जब फिर बहुत कष्ट हूँ बात घर वालों का ले कष्ट हूँ समाज में ले कष्ट हूँ हर चारों तरफ एक तरह बेटी कष्ट हूँ तो पुष्पा देवी जो हमारे बीच में नहीं आई तो उन्हें का सच्ची श्रद्धांजलि दिलूँ कि वो बहनी ने बहुत काम हमारे गुम पर करो और हमारे बीच में हमारे नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान दीपा देवी जो छन मैं उन्हें का बहुत बधाई दिलूँ शुभकामनाएँ दिलूँ और अगिल का भल काम करो समाज अंदर भल निर्माण करो तस कोशिश कंच और हमारे पूर्व ग्राम प्रधान और हम इनका लगातार भल सीख दौड़ो प्रमोद भाई मेहता जू लगातार देवचूरा काम छू अनरसा काम छू आरे काम छू कोई नहीं उनको गाड़ा काम छू तो तुरंत बताते रहूँ सोशल मीडिया माध्यम ले फोन माध्यम ले तो बहुत काम है जने वो कारण तो मैं प्रमोद मेहता जी का बहुत बधाई शुभकामनाएं दिलूँ तो हमारे बीच में हमारे दीवान सिंह मेहता जू छन नरेंद्र सिंह मेहता जू छन ख्याली मेहता जो छन हमारे केसर सिंह केदार सिंह खेतवाल जो हमारे उप प्रधान ले छन बीजेपी के मंत्री ले छन मैं उन्हें का बहुत बधाई शुभकामनाएं दिलूँ मदन सिंह मेहता जो हमारे बूथ इकाई अध्यक्ष छन आशा खेतवाल जो क्योंकि महिलान समूह बड़ा भे महिलानन का ले आज जमान में हमार मोदी जी को नहीं कि भाई महिला पुरुष एक समान लड़का लड़की एक समान तो जब सब एक समान छन तो समाज अंदर उन्हें का लिए अधिकार होने चाहिए उन्हें का लिए काम करना अवसर मिलना चाहिए।
तो अवसर हमार भारतीय जनता पार्टी हमार मैनिफेस्टो में ले छू कि हम सब लोग मिलजुल वे समाज का भल कनत काम कर सकूँ। अभी जो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम जो है समाप्त तो हो चुका है और हम लोग जो है घर को आने लग गए हैं। अभी तो सभी लोग चले गए हैं घर को, हम भी जाने लग गए हैं अभी, क्योंकि काफ़ी अच्छा रहा और समूह की महिलाओं के बारे में भी काफ़ी अच्छा विधायक जी ने कहा आज। तो अभी प्रोग्राम से जो है घर पे आ चुके हैं, तो काफ़ी खुशी की बात है कि हमारे गाँव में पंपिंग योजना जो है शुरू हो गई है, क्योंकि हमारे गांव को पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। हमारे बहुत सारी ज़मीनें ऐसी हैं जो बंजर पड़ी हुई हैं, तो वो भी हमारा जो है इस पानी से शायद सिंचित हो जाए और उस पर भी जो है खेती बाड़ी करना शुरू करें लोग। तो एक बार फिर से जो है विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरे ग्रामवासियों की तरफ से, उन्होंने इतना अच्छा जो योजना थी वो हमारे गाँव में लेके आए हैं। तो सभी की तरफ से एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद है विधायक जी को। और आज पंपिंग योजना का उद्घाटन हो गया है और जिसे हमारे गांव में जो है रह गांव है और हनौर है और चनर गांव तक हो सकता है कि पानी जाए,